हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारी आरएस अग्रवाल सॉल्यूशंस की क्या एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -2 इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5, फाइंड द अदर। क्या बोला है कि दो रैशनल नंबर्स है, उनका सम कितना है, -2 है। उन दो रैशनल नंबर्स में से एक रैशनल नंबर तो कितना है, -14/5। तो हमारे को दूसरा रैशनल नंबर नहीं दिया है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, दूसरे वाले रैशनल नंबर को कुछ मान लेते हैं। तो देखो, लेट द अदर रैशनल नंबर बी एक्स, मान लो कि वो क्या है, एक्स है। और एंड सॉरी, मैं पहले एक काम करता हूं, वन रैशनल नंबर कितना है, वन। एक काम करता हूं, इसको पहले मैं जो जो चीजें गिवन है ना उनको लिखता हूं पहले। तो यहां क्या है, द सम ऑफ रैशनल नंबर्स कितना है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज इक्वल -2 है। गिवन चीजों को पहले लिख लेते हैं, फिर हम कुछ मानना होगा वो मान लेंगे, ठीक है। वन नंबर इज, वो कितना है, -14/5। लेट अनदर नंबर इज, अनदर नंबर इज एक्स। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सोचे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन दोनों नंबर्स का सम कितना है, -2। तो क्या होगा, यानी कि -14/5 प्लस एक्स, दोनों का सम किया जाए तो कितना आएगा, -2 आएगा। हमें तो वो दूसरा वाला नंबर निकालना है, एक्स की वैल्यू। तो -14/5 इधर किसका है, प्लस माइनस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, अगर हम इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो। तो इधर बच गया एक्स, उधर क्या था, -2 ऑलरेडी पहले से था, -14/5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 14/5। आई होप आप लोगों की चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। नीचे कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी नीचे 1 लगा दोगे एलसीएम लोगे तो 1 और 5 का 5 आएगा। इसको मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, एलसीएम आएगा 5, इस 5 में 1 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा, 5 टाइम होगा। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। इस 5 को इस 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा, और 1 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। जब ऊपर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 14-10 करोगे तो, और नीचे कितना है 5। तो हम बोल देंगे लास्ट में, हैंस अनदर नंबर विल बी एक्स इज इक्वल 4/5, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सिमिलर ऐसा का ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -1/2 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 5/6, फाइंड द अदर। तो मैं देखो ये सारी चीजें वापस नहीं लिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये वाला डैश करके लिख देता हूँ। सम ऑफ द नंबर्स कितना है, -1/2, ये वाला पार्ट ऐसे कैसे लिख लेना आप। वन नंबर वाला पार्ट कितना आएगा, एक नंबर कितना है, 5/6। लेट द अनदर नंबर भी कितना है, एक्स मान लिया दूसरा नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई होप ये अभी चीज समझ में आ गई होगी, ये ऐसे कैसे लिखना था। सम ऑफ टू रैशनल नंबर ये यहाँ आ जाएगा, वन नंबर कितना है यहाँ आ जाएगा, अनदर नंबर कितना है वो हमने एक्स मान लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो उसने बोला सम ऑफ टू रैशनल नंबर, तो जैसे कि 5/6 और एक्स, दोनों का सम कितना दे रखा है, -1/2। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, -1/2 इधर है, ये 5/6 इधर पॉजिटिव का है, उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का 5/6। फिर दोनों का क्या करना है, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, इस 6 में 3 से, इस 2 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम होगा, 3 टाइम, और 3 को क्या करना है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 आएगा। फिर यहाँ क्या होगा, इस 6 में इस 6 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ गया, -3 और -5 कंबाइंड होकर -8 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 6 हो गया। अब देखो और फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है कि देखो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं 4 टाइम और ये 3 टाइम, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया x बराबर वो कितना हो जाएगा, -4/3। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के दो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।